थोड़ी दूर के लिए हाइपर राइडिंग बनती है बॉस। पानी थोड़ा सा पी लिया, कच्चा सा पानी आ रहा है विदाउट टेस्टलेस, पर ठीक है यार, फिलहाल का काम हो गया। देखो यार, आप स्टेबिलिटी अब चेक कर सकते हो कितनी, अब 60 जा रही है और अभी मैंने 80 पे से हैंडल बार को छोड़ दिया था। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं घर से। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं एक शॉर्ट सी राइड के लिए, और राइड पर जाने से पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि अपनी जीटी में जो है सबसे पहले काउल को इंस्टॉल करने वाले। ये है हमारे पास काउल जीटी का, और यहाँ खड़ी है अपनी जीटी। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया विदाउट काउल में चला रहा था, और इसका लुक भी जो है ना काउल के साथ में बहुत ज़बरदस्त आता है। आप लोगों ने भी शायद कमेंट किया है, नहीं किया तो दोबारा से कमेंट करके बताना कि कैसा इसका लुक आता है काउल लगने के बाद में। और उसके बाद जीटी को लेके फटाफट से निकलते हैं, पहले फ्यूल अप भी कराना है क्योंकि फ्यूल नहीं है। कल हम गए थे एक शॉर्ट सी राइड पर, और वहाँ से आने के बाद में जो है ना फ्यूल इसका लो हो गया था। तो अभी हम कार जाने वाले हैं, सारी चीज़ें मैं इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, तो मेक श्योर आप ब्लॉग को पूरा देखें। गाइस, यहाँ है हमारे सामने GD650। अब आप लोग बताना है कैसी लग रही है अपनी GD650 काउल के साथ में। बहुत ही इजी और सिंपल प्रोसेस था जिसको हमने अभी कर लिया है। तो जल्दी से अभी हम बाइक को बाहर निकालने वाले हैं, इसको रेव करने वाले हैं और यहाँ से निकलते हैं, फिर आप लोगों को मोटर ब्लॉग सेटअप में मिलते हैं अपनी जीटी पर। और मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है, टाइम अभी लगभग 9 बजने वाले हैं, तो सबसे पहले फ्यूल अप कराने वाले हैं। भाई हाईवे तो नहीं, अभी तो मेन रोड पर पहुंचे हैं, और हाईवे तो हमें आगे मिलने वाला है। काफी ज्यादा भीड़ हो गई है यार, मॉर्निंग में 9 अभी बजे ही नहीं है, और फिर भी ट्रैफिक देखो कितना हो जाता है आजकल। फिलहाल चुपचाप से पहले फ्यूल अप कराते हैं मैडम को, कि मैडम हमारी प्यासी है। कल हम राइड पर गए थे तो वहाँ से आने के बाद हमने इसमें फ्यूल अप नहीं कराया था। रुक जाओ एक मिनट, इसको जरा पहले खोल दें। किराना नहीं, बस आप करके लाया हूँ, निशान छुट जाता है। पेटीएम करने वाले हैं, और अगर पेटीएम नहीं हुआ तो उसके बाद हमारे पास कैश भी है। आज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट टाइम पे हमने क्या किया, पहले पेटीएम कर दिया और कैश हमारे पास था नहीं, तो भाई और पेटीएम हमारा फेल हो गया था। हमने कर दी है 0। घर से हम कितना आ गए हैं भाई, घर से आ गए हैं 0.9 किलोमीटर, यानी कि 900 मीटर पर पेट्रोल पम्प है ये वाला भाई हमारे घर से। फिलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने फार्म की साइड में, आज हम लोग अपने फार्म पे जाने वाले हैं। बस एक देख के आना है फार्म पे, फसल को देख के आना है एक बार, जस्ट जनरल इंस्पेक्शन करना है, इसीलिए मैं टाइमली निकल रहा हूँ मॉर्निंग में, जिससे कि ज़्यादा धूप होने से पहले पहले मैं वापस आ जाऊँ, एक प्यारा सा बढ़िया सा धमाकेदार मोटर व्लॉग आप लोगों के लिए शूट कर सकूँ। आई होप यू विल एंजॉय। और वहाँ जाके भी आप लोगों को चीज़ चेक कराने वाला हूँ कि किस तरीके से हमारी फसल हो चुकी है, क्योंकि गन्ने को लगाए हुए ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है, एक पहले वाले खेत पर, दूसरे वाले खेत के लिए अभी टाइम है। तो मैं जस्ट एक फसल को देखने जा रहा हूँ कि किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, क्योंकि जब से हमने गन्ना लगाया हम खेतों पर गए नहीं है। फिलहाल अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, और क्राउड देख रहे हो आप कितना ज़्यादा हो रहा है सुबह ही सुबह। तो गाइज़ अभी मैं यहाँ पर रुका हूँ, सामने जो है हाईवे है, और हाईवे पर पहुँचने से पहले मैं एक काम करने वाला हूँ। यहाँ हमारे पास Insta360, अब अपनी Insta360 को माउंट करने वाला हूँ। कुछ अच्छे शॉट्स आते हैं यार इससे, फ्रंट शॉट बहुत बढ़िया आते हैं, आप लोग भी कॉमेंट करके बताना। जल्दी से इसको माउंट कर लेते हैं क्योंकि आगे हमारे पास 4 लेन आने वाला है, तो वहाँ पर हम कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स लेंगे। सो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं अपने हाईवे पर, और देखेंगे किस तरीके के शॉट्स हमारा Insta360 जो है शूट करने वाला है। आई होप कुछ बढ़िया से शॉट शूट करे, क्योंकि मैं इसका जो माउंट है ना, मैं दूसरा वाला माउंट ले आया हूँ, उसमें छोटा वाला माउंट लगना था, उससे स्टेबल रहता है ये बड़ा वाला माउंट आ गया है। बट कोई बात नहीं, जितने भी शॉट्स आप आएंगे। ओ भाई रुक जा, रीचिंग टू 130, क्या बात है भाई, क्या बात है, आज कोई मूड नहीं है भाई तेज भगाने का, तो जरा थामा थामा होके चलो जीटी। जिस दिन हमें इसकी टॉप स्पीड चेक करनी होगी हम उस दिन भगा के देखने वाले हैं जीटी को। फिलहाल जो है नॉर्मल राइड पर कोई भी रैश नहीं करना है, आराम के साथ में निकलना है। पहुंच चुके हैं टोल, और टोल की इमरजेंसी लेन पर डाल के मैंने निकाल दी है, तो अभी हम आराम आराम से चलने वाले हैं। एक्साइटेड हो जाते हैं भाई, जीटी जो है फन करने लगती है, मजा देने लगती है यार, तो इसका सेपरेट व्लॉग शूट करेंगे, इसमें टॉप स्पीड देखेंगे। रोड आप देखो यार, क्या बढ़िया रोड हो रही है, इस तरीके की रोड पर आजकल चलाने में बहुत मजा आ रहा है। तू देख रहे हो क्या जबरदस्त आ रहा है, बिल्कुल ग्रीन पेड़ हो रहे हैं। 4 लेन पे नहीं आता भाई इस तरीके का व्यू, ये तो इसी तरीके की रोड पर आता है जो ब्लैक टॉप रोड होती है और दोनों तरफ पेड़ लगे होते हैं। देखो यार क्या प्यारा सुहावना मौसम लग रहा है। फिर अभी हम पहुंच चुके हैं जसपुर में, और कितना शांत हो रहा है यार आज, यहाँ का मार्केट जो है बहुत ज्यादा शांत दिखाई दे रहा है, और जनरली इतना शांत रहता नहीं है, बहुत ज्यादा क्राउडेड रहता है ये एरिया। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अपने खेत पर, जरा चेक करते हैं भाई क्या कंडीशन है। खेतों पे तो कोई दिखाई नहीं देता यार, बिल्कुल सुनसान रहता है, पता नहीं कैसे खेती कर रहे हैं लोग। फिलहाल आ चुके हैं हम अपने खेत पर, पहुंच चुके हैं, पर पीछे आप चेक कर सकते हो यहाँ खड़ी है अपनी जीटी, और कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके बताना, इसमें काउल वाउल लगाया था हमने। अभी हम पहुंच चुके हैं अपने खेत पर, और यहाँ की कंडीशन आप लोगों को चेक कराने
वाले हैं। भाई यहाँ हमने गन्ना बोया था और गन्ने की फसल जो है निकल आई है और अब इसमें खुदाई होनी है। सारी चीजें आप लोगों को चेक कराऊंगा। ये देखो, आप ये देख सकते हो यार, यहाँ पर हमने गन्ना बोया था और ये गन्ना निकल आया, आप चेक कर सकते हो। और इसमें बीच में खुदाई होनी है, इस पौध के बीच में हम खुदाई कराने वाले हैं। और यहाँ हमने पॉपुलर के पेड़ लगाए थे, ऑलमोस्ट 50% जो है पेड़ हमारे ग्रीन हो गए हैं। कुछ उसमें कुछ इस तरीके की कंडीशन है, चेक कर सकते हो। सामने देखो, ये भाई तुम्हारे भाई ने ही करवाया है, ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो उतना कुछ बढ़िया नहीं जा रहा है, बट मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है जितना हो गया है। तो अब इसमें देखो आप, ग्रीन ग्रास हो रही है, तो इसको पहले खुदाई मांग रहा है। ये खुदाई हो जाएगी तो बढ़िया हो जाएगा। यहाँ आप चेक करो, ये पेड़ ग्रीन हो गए हैं, लेकिन देखो इस पेड़ से आगे वाले पेड़ जो है ना, ये सब खराब हो गए। अब आपको दूसरा वाला खेत दिखाते हैं जिसमें हमने चरी डलवाई थी, कि चरी की क्या कंडीशन है वो भी आपको चेक कराते हैं। भाई यहाँ आप देख सकते हो, ये है अपना दूसरा वाला खेत और इसमें चरी कुछ इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी है। आप देखो, शायद इसमें भी पानी लगेगा, तो इसमें पानी लगवाएंगे। और इस वाले खेत के सारे पेड़ अपने ग्रीन हो चुके हैं, क्योंकि ये पहले के लगे हुए थे और ये वाले पेड़ हमने न्यू लगवाए थे, तो दोनों में डिफरेंस है। भाई ये वाला खेत देखो आप, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। देखो यार, ये पेड़ भी हमने लगाए थे, दो न्यू पेड़ थे, ये भी नहीं चले। तो यार ये जो है ना, पौध ख़राब थी, इस वजह से ये नहीं चल पाए, अदरवाइज़ तो कोई रीज़न ही नहीं था ना चलने का। तो आप चेक करो, देखो यहाँ पर सारी हमने चरी डलवाई थी, तो चरी आ चुकी है। ये पानी लगना मांग रही है चरी को, इस समय पानी लग जाएगा तो सही हो जाएगी, थोड़ी सी पीली पीली पड़ने लगी है, तो इसीलिए मैं आज यहाँ पर आया था कि फसल की कंडीशन को हम चेक कर सके। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं कुछ रोड पर और दूसरे वाले खेत पर जा रहे हैं। वहाँ से तो हम लोग निकल आए हैं, टाइम काफ़ी अच्छा होता जा रहा है, धूप भी निकल रही है, लेकिन राइड करने में मज़ा आ रहा है जीटी को। देखो यार, आप स्टेबिलिटी अब चेक कर सकते हो कितनी, अब 60 जा रही है और अभी मैंने 80 पे से हैंडल बार को छोड़ दिया था। मैं आपको फिर दोबारा दिखाता हूँ, रोड बढ़िया है तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें कर पा रहा हूँ। आप लोग ट्राई मत करना, लुक एट दिस, इसको मैं कैसे भी कंट्रोल कर लो इसको। तो फिलहाल अभी दूसरे खेत पर पहुँचते हैं। सो अभी इस वाले खेत पर जाकर देखते हैं ज़रा, क्योंकि यहाँ पर भी हमने गन्ना लगाया था और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। साहु जी जा रहे हैं, तो साहु जी हैं। साहु जी नमस्ते, कहाँ से आ रहे हो? क्या खराब पंपी? अभी तुम शायद वहाँ भी जा रहे थे, ट्रैक्टर पे बैठे हुए जा रहे थे अभी तुम, है ना? हाँ देखा था मैंने मंदिर पे भी, वो भी थे दूसरे वाले भी। अच्छा हाँ, गर्मी तो बढ़ गई है, धूप तो बढ़ गई है। सो गैस यहाँ पर अपने पानी लगने वाला हो रहा है, ये खेत काफ़ी ड्राई हो गया है और इसमें गन्ना बोया था, थोड़ा थोड़ा सा निकल रहा है, पानी लगने के बाद ये निकल जाएगा। तो इसमें कल पानी लगाने की व्यवस्था करनी है। इस वाले में तो लग गया है, उधर से भी लग रहा है। ये वाले हाँ, एक बोर है, इस वाले बोर पर इंजन रखवा के यहाँ पर पानी लगवाया जाएगा, ये काम होगा कल। तो फिलहाल यहाँ से तो निकल रहे हैं, उधर वाले खेत में, कॉर्नर वाले खेत में वो ताऊ लोग अपना पानी लगा रहे हैं, उन्होंने दूसरी साइड से इंजन रखा हुआ है, हम इधर से रख लेंगे। तो फिलहाल अब यहाँ से निकलते हैं, मेरे को लग रही है प्यास। टाइम ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं, पानी भी नहीं लाया था मैं, बॉटल बैग ही नहीं लाया था, तो बॉटल क्या कैरी करता यार। तो अभी चलते हैं, ज़रा पहले पानी भी पियेंगे और एक जगह अभी शुगर मिल पर रुक के ज़रा चाय पीने वाले हैं, वहाँ से फटाफट निकलते हैं। तो फिलहाल 30 किलोमीटर हम लोग चला चुके हैं और अभी हम ज़रा आगे नादई शुगर मिल पर रुकेंगे, वहाँ पानी पियेंगे और वहाँ पर चाय पीने वाले हैं। तो वहाँ तक ज़रा मस्त बाइक को खींच देते हैं ज़रा दबादब। तो यार अभी यहाँ से मैंने पानी पी लिया है, इस वाले सरकारी नल से पानी पी लिया है और ये देख रहा हूँ अपने गांव को जा रही है रोड। ये गांव का बस अड्डा है हमारे, बहुत ही कूल लोकेशन लगती है मेरे को ये, यहाँ बसेस वगैरह आके रुकती हैं। और ये बॉर्डर है भाई यूपी उत्तराखंड का, इसलिए पुलिस वाले बैठे रहते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ से चल रहे हैं, पानी थोड़ा सा पी लिया, कच्चा सा पानी आ रहा है विदाउट टेस्टलेस, बट ठीक है यार, फिलहाल का काम हो गया। तो पुलिस वाले पता नहीं क्या देख रहे हैं मेरे को, पैनी निगाहों से देख रहे हैं ना कि कौन है ये बंदा, इनको पता नहीं है भाई, गांव अपना यही है। जीटी देख के सरप्राइज मत हो कि मैं कहीं विदेश से नहीं आ रहा हूँ। क्रॉस कर लिया है टोल और इंस्टा 360 हम आउट कर लिया है, देखते हैं किस तरीके के शॉट्स आएंगे। थोड़ा सा अब हम लोग करने वाले हैं हाइपर राइडिंग। ओहो, थोड़ी दूर के लिए हाइपर राइडिंग बनती है बॉस। यहाँ मुझे ब्रेक लेने पड़ेंगे, रोड है ख़राब, बिल्कुल ख़राब, बहुत ज़्यादा बम्प है यहाँ। और ये जा रही है भाई 120, यहाँ से निकालूँगा मैं। अब आओ भाई, किसको करनी है रेस, कौन करेगा जीडी से रेस। फ्लाइट गाइस पहुँच चुके हैं हम लोग अपने शहर काशीपुर में, वापस आ चुके हैं ऑन टाइम। तो अभी यार मेरे को जाना है बैंक, तो सबसे पहले मेरे को बैंक का काम फिनिश अप करना है, एक छोटा सा काम है, यहीं पर बैंक है हमारा, यहाँ पर SBI का एक छोटा सा काम फिनिश अप करते हैं। तो यार इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपको मज़ा आया होगा। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग जरूर कॉमेंट करके बताना, मिलेंगे आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 एंड बाय। और सामने देखो ये आ गया बैंक, मैं फिनिश करता हूँ यहाँ पर वर्क और मिलेंगे आपसे एक और नए ब्लॉग में, चलो बाय बाय टाटा।